अर्थ प्रकाश देखने वाले तमाम भाइयों बहनों को डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा का नमस्कार। प्यारे भाइयों बहनों, जैसे आपको पता है कि पंचकुला के अंदर नगर निगम के चुनाव होने जा रहे हैं, 27 तारीख को यहां पर वोटिंग है। और आपको पता है जैसे एमपी का चुनाव हो, चाहे एमएलए का चुनाव हो, उसके अंदर हम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट जरूर बताते हैं, क्योंकि हर कैंडिडेट ये कहता है कि हम जीतेंगे, लेकिन जनता की अदालत में जब आते हैं, जनता किसको अपना प्रतिनिधि बनाती है ये जनता पर डिपेंड करता है। और आज हम ग्राउंड लेवल रिपोर्ट पर खड़े हैं सेक्टर 9 के अंदर, जो सेक्टर जो वार्ड नंबर 4 है, और हमारे बीच में इनकी राय पूछते हैं कि ये इस चुनाव को किस दृष्टि से देखते हैं। नमस्कार, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम SL बसी, सेक्टर 10। तो आपका यही वार्ड पड़ रहा है। तो बसी साहब, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन होने जा रहा है, तो सबसे पहले बताइए कि आपके वार्ड की दिक्कत क्या हैं? दिक्कतें तो आजकल कोई ख़ास नहीं है, वैसे फिर भी हैं। जो काम पीछे करने से रह गए हैं, वो हर कोई चाहता है कि ये काम हो जाए, ये काम हो जाए। तो उन दिक्कतों को लेकर आजकल ये जो नए पार्षद बन रहे हैं, वो भी सेक्टरों में आ रहे हैं। कल भी हमारे सेक्टर में मज में दो लगे हुए थे, एक कांग्रेस वालों का था और एक BJP वालों का था। तो उनमें सब में बहुत बहुत सी बातें काफ़ी अच्छे, कोई MLA, कोई पुराने पार्षद वहाँ पहुँचे हुए थे। दिखते हैं वार्डों में ये होती है, कोई पार्किंग होती है, पार्कों की हालत ठीक ना हो तो उसमें कोई घूमने फिरने का जी ना हो, तो बाकी किसी का कोई अपना काम आ जाता है, उसमें भी पार्षद के पास जाया जाता है। तो कृपा करो, बख्शिश करो, ये जो ऐसी मोटी शिकायतें तो दास नहीं कह सकता उनको, जो ऐसी बातें होती है अगर वो इसको सुन लें, आगे तक पहुँचा दें, तो वो बात ठीक हो सकती है। वैसे तो पुराना जो था हमारा, वो अपना पीरियड, वो तो अच्छा ही रहा। तो पुराने पीरियड में आपकी पार्षद कौन थे? हमारी पार्षद में वो मिसेज पुनिया जी थे। अच्छा। वो काफ़ी सबसे मेल जो रखते थे, घरों में भी आते थे, हमारे टेलीफोन भी उनके पास हैं, मैसेज भी दे देते थे, आज भी मैसेज दे रहे हैं। वो कह रहे आज मैं वार्ड सेक्टर 11 में मेरी ड्यूटी लग गई है, अगर कोई इधर 10 में हो तो बेशक उनको भी आप सिफारिश करें, तो जो काम अच्छा करता है उसको हम ज़रूर उत्साह दें, उसको हम जरूर आगे लें। तो मेरा भी यही ध्यान है, जो अच्छे काम करने वाले हैं, कुछ ये नहीं कि हमने कोई पार्टीबाजी देखनी है जी काम। हाँ, क्योंकि ये इलेक्शन जो होते हैं स्थानीय इलेक्शन होते हैं, इसमें भाईचारे का इलेक्शन होता है। तो आप ये बताइए, इस वक्त आपके वार्ड में कौन कौन लोग खड़े हैं? तो वो आपसे मिले भी होंगे, आपसे आपके घरों में भी आते होंगे, वो वादे भी करते होंगे। तो आप कहिए कि अगर निष्पक्ष तौर पर, क्योंकि अर्थ प्रकाश जो प्लेटफार्म है, हम MP के इलेक्शन में भी लोगों के व्यूज़ लिए थे, निष्पक्ष तौर बताइए कि यहाँ पर क्या स्थिति बन सकती है? स्थिति तो यही, अब भी जो दो बहनें आती हैं वहाँ, तो एक कांग्रेस की तरफ से, उनके कांग्रेस का लगा होता बोर्ड पंजे का, तो दूसरी तरफ कमल का होता है। नाम तो दास भूल गया क्योंकि घर में कम ही रहता है, कल थे हमारे घर में भी खड़े थे, फिर भी दास उधर से अपना आ रहा था मार्केट की तरफ से। बैदे तो खूब करते हैं, जो हमारी मिसेज हैं या हमारी उनको सभी जो मोहल्लेदारी है उनको हम बहने ही कह सकते हैं, कि वो उनकी बात बड़े ध्यान से सुन रहे हैं, उनके पास बातें भी रख रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं, काम तो अच्छा ही करेंगे। जो भी आएगा वो चुनना तो साथ संगत हम नहीं है। लेवल रिपोर्ट मिल सकती है, क्योंकि आप बुजुर्ग होते हैं जो ज़्यादा समय इन इलेक्शनों में व्यतीत करते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, तो आप ये बताइए सेक्टर 12 की क्या दिक्कतें थी? सेक्टर 12 की जो प्रॉब्लम जो मैंने देखा है, समझा है, वो है कि पंचकूले का जो ट्रांसपोर्टेशन का, जो लोगों का पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, वो इतनी दिक्कत आ रही है कि आदमी इंसानों को 47 सेक्टर में जाने के लिए कम से कम एक एक घंटा इंतजार करना पड़ता है। ये नहीं पता क्या बात है, मोहाली जाओ तो वहाँ पे बिल्कुल स्मूथ ट्रांसपोर्टेशन के साधन हैं। पंचकूला में ये सभी को बता चुके हैं, चाहे पार्षद हैं, चाहे वो मेयर हैं, चाहे वो कोई भी है, चाहे MLA हैं, लेकिन जहाँ का ट्रांसपोर्टेशन का जो सिस्टम जो है वो ठीक हुआ ही नहीं है, क्योंकि वहाँ जो CTU की बसें हैं वो तो आने ही बंद हैं, और दूसरी बसों का पता ही नहीं चल रहा है आती भी हैं कि नहीं आती हैं। तो ये ट्रांसपोर्टेशन का जो प्रोग्राम है, इसे सुचारू रूप से चलने के लिए ये म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही काम है कि किस प्रकार से जो चंडीगढ़ की सहूलतें हैं वो सहूलतें जहाँ भी होनी चाहिए। बाकी सफाई सफूई का तो ठीक है, हमारे 12 सेक्टर में लिली बाबा थी, हम जो बहुत अच्छी लेडीज़, वो उसने कार्य किया है, कोई ऐसा कोई शिकायत उसकी तरफ से कभी आई नहीं। लेकिन जहाँ तक डेवलपमेंट की बात है,
वो डेवलपमेंट क्यों नहीं हुई वो तो सारी पब्लिक जानती है, सारी दुनिया जानती है कि सेक्टरों की पब्लिक जो डेवलपमेंट है वो क्यों रुकी हुई है। इसका कारण ये तो नहीं है कि डेवलपमेंट रुकने का कि काफ़ी देर तक यहाँ पर टाइम पीरियड कंप्लीट होने के बाद भी चुनाव नहीं हो सके नगर परिषद, ये भी कारण हो सकता है। एग्जैक्टली ये भी एक मेन कारण है कि कितने दिनों के काफ़ी देर हो गया कि जो हमारी जो काउंसिल थी वो जिसे कहते हैं सस्पेंड हुई है, उसके बाद ख़त्म हुई है, उसके बाद इलेक्शन नहीं हुए। और दूसरा ये है कि जो टैक्स हैं, जो गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखे हैं, जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने टैक्स लगा रखे हैं, वो इतनी फ्रीक्वेंटली है कि पब्लिक को पता ही नहीं चल रहा कि कितना को किसका टैक्स है। को पुराना टैक्स निकाल देते हैं, को अगला टैक्स निकाल देते हैं, और को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के दफ्तर में जाके देखो रिकॉर्ड का पता ही नहीं चल रहा। तो इन्होंने ये बहुत मुद्दे उठाए जो मुद्दे आवाम से जुड़े हुए हैं। आपने भी देखा, दर्शक भी देख रहे होंगे कि किस तरीके से अर्थ प्रकाश के प्लेटफार्म पर स्थानीय जो बुजुर्ग हैं वो अपने मुद्दे उठा रहे हैं। जैसे आपने अभी बताया था ट्रांसपोर्टेशन का, कि आपके पास सुझाव भी है इसके बारे में कि गवर्नमेंट को देना चाहते हो अगर कोई पार्षद बनता है आपके यहाँ से, नेचुरली कोई पार्षद तो बनेगा, अगर आपका कोई सुजेशन है तो आप सुजेशन भी दे सकते हैं कैसे ठीक हो सकता है ये। इस तरीके से ठीक हो सकता है क्योंकि जो CTU की बसें हैं चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट की, जैसे मोहाली में अलाउ कर रखी हैं, फ्रीक्वेंट उनकी विजिट है, फ्रीक्वेंट उनकी ट्रांसपोर्टेशन है, क्योंकि वो 10 मिनट भी लेट नहीं होती। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये देखने को मिल रही है कि यहाँ पर सॉलिड डिस्कशन हो रही है, एक एक मुद्दे के ऊपर डिस्कशन हो रही है। और ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, जो सरमाएदार हैं, वो रिटायरमेंट के बाद भी कितने आप देख सकते हो कितने मुस्तैदी से एक एक चीज़ पर, एक एक दिक्कत पर वो बाज की निगाह लगाए बैठे हैं। और हमारे बीच में एक और कड़ी जुड़ चुके हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। आपका नाम जी? जयराम। जयराम जी थोड़ा ऊंचा बोलिए, आप कहाँ पर रहते हो पंचकुला में? 12A में। 12A में, तो 12A में आपका वार्ड भी सेम है जी। तो आप यानी दिक्कतें उन्होंने बता दी हैं, लेकिन फिर भी आप इस मन से बताइए कि कौन सी इनके अलावा जो इन्होंने बताई है और कौन सी दिक्कत है, ताकि हम प्रशासन तक आपकी दिक्कतें इस प्लेटफार्म से पहुँचा सकें। दिक्कत अब जो काफ़ी इन्होंने बताया, और मेरे तरफ से ये है कि जो यहाँ पे जो ये पीछे 20 सेक्टर में मंडी लगती है, वहाँ पर जाने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो पीछे से घूम करके बहुत जाना जा रहा है, या सामने से आया जाए, तो एक समस्या तो मेरे सामने से ये है कि मंडी का जो व्यवस्था है वो या तो नीचे कोई जाने का साधन बनाया जाए, नहीं तो पूरा 2 किलोमीटर का चक्कर मार करके जाना पड़ता है। तो आपने इस बारे में मंडी वाली बात की है, ये दिक्कतों काफ़ी पुरानी हुई होंगी, तो आपने इस बारे में प्रशासन से कोई बात की या लिखित तौर पर दिया? कि पहले ये था कि मंडी जगह जगह ला करती, 14 में भी मंडी लगती थी, इधर 15 में भी मंडी लगती थी, तो कोई सी प्रॉब्लम नहीं आई। अब प्रॉब्लम अब आ रही है कि जो सारी मंडियाँ 20 फीट में शिफ्ट कर दी गई किसानों के माध्यम से, तो जो यहाँ पे जाने के लिए बड़ा मुश्किल होता है, घूम करके पूरा सेक्टर को रैली चौक से होकर के और जा करके तब आना पुल के नीचे जाना पड़ता है, और भीड़ इतनी ज़्यादा होती है वहाँ पर कि मुश्किल हो जाती है 20 सेक्टर पुल के नीचे। तो देखा कि इन्होंने भी अपने मुद्दे जो हैं और जो जायज़ मुद्दे हैं वो इस मंच पर उठाए। जैसे आपको पता है कि हम पंचकुला के अंदर खड़े हैं और ग्राउंड लेवल रिपोर्ट है जो MC इलेक्शंस की, जैसे आपको पता है कि सभी लोग साथ में जुड़ रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि अर्थ प्रकाश के प्लेटफार्म से हर इंसान अपनी दिल की बात खुलकर बता रहा है। और हम भी कह रहे हैं कि एक वक्त होता है, एक दिन ही होता है, जब जो आवाम अपनी दिल की दिक्कतें बताती हैं, और ये हमारा भी सौभाग्य है कि हम इन लोगों के साथ जुड़े हैं। और आप अभी हम खड़े हैं सेक्टर 9 की मार्केट के अंदर, और हमारे बीच में मार्केट के प्रधान जी भी बीच में खड़े हैं और सभी लोग खड़े हैं। प्रधान जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। हमारे तो जी प्रधान जी आपका नाम बताइए पहले। मेरा नाम राजकुमार राणा जी। राणा जी, सबसे पहले हम आपसे ये नहीं पूछेंगे कि वोट किसको दोगे, हम आपसे ये पूछेंगे कि यहाँ पर दिक्कतें क्या हैं। जो दिक्कतें हैं आपकी नज़र के अंदर वो आपने अपने पार्षद को पहले बताई थी, अगर नहीं बताई थी तो क्या सलूशन निकला है, और आज भी आपको ये प्लेटफॉर्म मिला है कि आप अपनी दिक्कतें बता सकते हैं, और हमारा भी ये फ़र्ज़ बनेगा कि हम प्रशासन तक ये बात पहुँचा सकें। हमारी दिक्कतें हैं जी, एक तो मार्केट में जो शौचालय है वो बिल्कुल ख़राब है और उसकी देख रेख बिल्कुल नहीं है। हम चाहते हैं कि उसकी थोड़ा सा साफ सफाई अच्छे से, उसकी देख रेख और जमादार जो है ना वो परमानेंट किया जाए। दूसरी समस्या पार्किंग की हमारी, हमारे जो मार्केट के आसपास 2-3 पार्क पड़े हैं, उनको पार्किंग की जगह अगर मिल जाए तो हम यही आशा रखते हैं अपने पार्षद से कि हमारी ये पार्किंग वाली समस्या दूर करें। तो आपने ये मुद्दा पहले भी उठाया था? पहले भी उठाया था जी, कोई
पर एक बात है कि यहाँ पर नगर परिषद के टाइम पीरियड होने के बाद भी इलेक्शन नहीं हुए, ये भी हो सकता है कि उसके कारण ये शायद डिले हुआ हो, लेकिन अब आप ये बताइए कि जो अब इलेक्शन में आप रहते हैं कहाँ पहले ये बताइए। हम सेक्टर 10 में रहते हैं जी। सेक्टर 10 में रहते हैं, तो अब आप ये बताइए कि अब जब इलेक्शंस होंगे, नए पार्षद आएंगे, तो आप ये मुद्दा उन तक भी उठाओगे? बिल्कुल उठाएंगे जी, ये मुद्दा हमारा चलता ही रहेगा जब तक हमारी समस्या सॉल्व नहीं होती। तो दो तो यही समस्या है हमारी सबसे बड़ी है मेन, दूसरी बात यहाँ पे हमारा मार्केट भी थोड़ा फायर फूर का है। राहुल जी मार्केट की तरफ थोड़ा कैमरा लेके जाइए, इन्होंने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया है कि यहाँ पर कोई फायर का क्या करते हैं, काफ़ी कुछ डर लगता है मार्केट में शॉर्ट सर्किट का। ये कह रहे हैं कि ये मार्केट काफ़ी कंस्ट्रक्टेड है, काफ़ी तो तंग भी है, तो यहाँ पर पक्की बन जाए तो। हाँ जी, ये कह रहे हैं कि अभी तक यहाँ पर ना फायर का अग्निशमन का कोई यहाँ पर सिलेंडर वगैरह नहीं लगा हुआ, ये बहुत अच्छा लगा हुआ है, लेकिन को टाइम पे देख रेख नहीं करते इसकी, टाइम पर देख रेख नहीं कर रहे, तो ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया। नमस्कार, आप आगे आइए। आपका नाम जी? प्रेम कम्बोज जी। प्रेम कम्बोज जी, आप क्या काम करते हो? मेरा यहाँ स्क्रैप का काम है। स्क्रैप का काम है, तो आप बताइए कि क्या दिखते हैं आप? दिखते हैं यहाँ मीटर का बिल बहुत ज़्यादा आता है जी, टेम्परेरी मीटर का, तो जितनी बिजली लगाओ लोग उतना ही होगा। टेम्परेरी मीटर है जी ये, वो बिल नहीं आता जैसे घरों का आता है। यहाँ वहाँ लग लगाए हुए हैं, 15 रुपए यूनिट है यहाँ, कहीं भी हरियाणा में 15 रुपए यूनिट नहीं है। ये बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है राहुल, इनके मुद्दे पे गौर कीजिए कि इन्होंने ये उठाया है कि बिजली महकमे पर भी सवाल उठाया है, और यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि पहले बुजुर्गों ने परिवहन डिपार्टमेंट पर सवाल उठाया, उसके बाद इन्होंने ये नगर परिषद का विभाग होता है जो लोकल बॉडी पर क्वेश्चन उठाए, तो आज अब ये इन्होंने मुद्दा उठाया है। किस पर उठाया जी? बिजली विभाग पर बताइए। हाँ जी, यहाँ बहुत महंगी लाइट मिलती है, 15 रुपये यूनिट लगभग लाइट है, जो कि कहीं भी नहीं है हरियाणा में, जो यहाँ हमें मिल रही है। और शौचालय की तो समस्या है जो बहुत ज़्यादा है, लोग हमें यहाँ गाड़ियाँ दे दे के जाते भाई ये कैसा शौचालय है, और निगम कहता कि हमने यहाँ 1 करोड़ रुपये खर्च कर रखे हैं, बंदा कहते बैठा रखा है, यहाँ कोई बंदा नहीं है और कोई कुछ नहीं है ये। अच्छा, आपका नाम? आइए, आप अभी आ गए। जावेद जी भी जुड़ गए हैं। जावेद जी, क्या काम करते हो यहाँ पर? मेरी घड़ी की शॉप है जी, वॉच वॉच रिपेयर। अच्छा, हाँ जी। तो आपके पास भी बहुत लोग आते होंगे यहाँ पर, व्यू पब्लिक डीलिंग है आपकी, तो आप सबसे पहले आप हमसे आपसे पूछेंगे क्या लग रहा है यहाँ पर? यहाँ बाकी तो सारा कुछ ठीक ठाक ही है, एक ये शौचालय की समस्या, एक ये मार्केट कच्ची है ना, इस करके ये हम चाहते हैं कि पक्की हो जाए मार्केट, जिससे मीटर भी पक्के हो जाएंगे हमारे, हमें बिजली भी सही दामों पे मिलेगी, सारा कुछ हो जाएगा, फिर आग का जो है हिसाब किताब वो भी ठीक हो जाएगा। नहीं, आप ये बताइए कि बिजली 15 रुपये यूनिट पर पड़ रही है आपको यहाँ पर? हाँ, 12 से 15 रुपये यूनिट पर, हरियाणा में तो कम नहीं है अगर देखा है, वो क्या उसके बारे में समझाइए। ये कच्चे मीटर है वो पक्के, ये टेम्परेरी मीटर है ये। हाँ जी, टेम्परेरी मीटर की वजह से जो है बिजली महंगी दी जाती है। तो अब आपसे चलो, इन्होंने मुद्दा 20 साल हो गए मीटर लगे हुए सर जी, 20 साल हो गए मीटर लगे को, 20 साल से हम टेम्परेरी पे ही। ये मुद्दा उठाया कि 20 साल हो गए हम टेम्परेरी मीटर हमें लगा हुआ है, तो आपने कभी बिजली विभाग को कहा नहीं कि हमें भी परमानेंट मीटर दिया? पक्की अगर मार्केट हो जाएगी तब पक्का मीटर लगाएंगे, अगर नहीं होगी तो जिंदगी भर ऐसे चलेगा। हाँ, ऐसे चलता रहेगा, कहते कच्चा अगर मार्केट है तो कच्चा ही टेम्परेरी मीटर चलता रहेगा आपका। तो जावेद जी ने बहुत बड़ा मुद्दा उठाया इस यहाँ पर इन इलेक्शनों के अंदर कि इनको 20 साल हो गए हैं, 20 साल में इनके मीटर अभी भी टेम्परेरी हैं। तो जावेद जी, हम भी ये बात प्रशासन तक उठाएंगे क्योंकि चुनाव आज हम सुबह से ही अपने दर्शकों को ग्राउंड लेवल रिपोर्ट बता रहे हैं। इस रिपोर्ट के अंदर हम ये इन लोगों से ये पूछ रहे हैं कि आपकी दिक्कतें क्या थी, लोगों ने इस प्लेटफार्म में अपनी दिक्कतें खुलकर बताई हैं, और आज जैसे हम जा रहे थे हमारे बीच में सब हमारे बुजुर्ग बैठे थे यहाँ पर, हमने देखा कि यहाँ पर भी बैठे हैं, इनकी भी दिक्कतें सुनते हैं। नमस्कार जी, मैं अनिल थापर, प्रबंधक शिरडी साईं सेवा समाज पंचकूला। हमारा ये शिरडी साईं सेवा समाज रजिस्टर पंचकूला का ग्रुप है आज, तो आप क्या पूछना चाहते हैं, पूछिए। सबसे पहले अपने ये बताइए थापर साहब कि पंचकूला में मेन दिक्कतें क्या हैं? देखिए, आप जिससे भी पूछेंगे ना मेन दिक्कतें क्या हैं, वो सबके पास वही 2-3 दिक्कत है कि सफाई होनी चाहिए, सड़कें होनी चाहिए, विकास होना चाहिए, हम इनसे परे बात करते हैं। आप उनसे परे कोई अलग मैटर हो तो बताओ, बहुत अच्छी बात लगेगा। बात समझिए, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या है, खंबे लगे हुए हैं उसकी प्रॉपर लाइटिंग नहीं है, ठीक है,
प्रॉपर मार्केट्स में टॉयलेट्स नहीं हैं, टॉयलेट कहाँ बनाए हुए हैं, बूथों में। आप जैसे यहाँ 15-5 में इतने बड़े बड़े शोरूम्स हैं, अगर यहाँ पे किसी गेस्ट ने, किसी हमारे कस्टमर ने वॉशरूम जाना, यहाँ कहीं वॉशरूम की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है। एक ये चीज़ें हैं, मेंटेनेंस नहीं है, और जो प्रॉब्लम्स है वो तो रोज़ नहीं आ रही हैं। आप जो आज जो पार्षद आ रहा है या मेयर आ रहे हैं, वो कह के आ रहे हैं कि हम प्रॉब्लम दूर करेंगे, प्रॉब्लम, जब उनसे प्रॉब्लम की लिस्ट मांगो, प्रॉब्लम वही है उनके पास 3-4। ये तो पिछले 70 साल से सुनते आ रहे हैं। प्रॉब्लम दिन बाय दिन बढ़ेंगी। हमारे पास तो जैसे अब हमारी तरफ से हमारी पूरी सपोर्ट जा रही है कुलभूषण जी को, और पूरी बीजेपी को, हमारी शिरडी साईं सेवा समाज भी पूरी सपोर्ट दे रही है। हम ये उम्मीद करेंगे कि प्रॉब्लम्स दिन बाय दिन डिफरेंट हो। जैसे ये देखिए, जो प्रॉब्लम्स हैं वो सबको टिपिकल एक लिस्ट बनी हुई है, मेरी ये प्रॉब्लम है, जो आज से 40 साल पहले पूछते थे, जो वोट मांग रहा था वो भी यही कह रहा था, मैं भ्रष्टाचार दूर करूंगा और विकास करूंगा। जो वोट दे रहा था वो भी कहता था, मैं चाहता हूं विकास हो, भ्रष्टाचार दूर हो, दोनों ही नहीं हुई चीज़ें, आप समझ रहे हैं। अब बीच में आ गया कोविड, अब कोविड करके धंधे लोगों के चौपट हो गए, लोगों की नौकरियां चलेगी, अब सिनेरियो बदल गया, अब सरकार को डिफरेंट एंगल पे काम करना पड़ेगा। ये विकास, ये पेड़ नहीं कटते मेरे, मेरे तारे लटक रही हैं, ये चीज़ें बड़ी छोटी हैं। क्या जब कॉरपोरेशन नहीं थी, क्या सड़कें नहीं बन रही थी? जब यहाँ पे लेजिस्लेचर नहीं था, क्या हुआ तब तक सड़कें नहीं बन रही थी? सारा डेवलपमेंट हो, सब कुछ होता है, लेकिन हम अगर कोई सड़क बना दी, जहाँ हमने दो पेड़ लगा दिए, जहाँ कोई हॉल बना दिया, उसको डेवलपमेंट ना कहो। एवरीबडी शुड बी हैप्पी, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर गवर्नमेंट, यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सिटी। तो हमारा शिरडी साईं सेवा समाज का बीजेपी के साथ मिलकर एक ही प्रण लिया है, वी वॉन्ट टू मेक आर सिटी अ हैप्पी सिटी। तो आपने जैसे अभी आपने कहा कि बीजेपी के साथ मिलकर हमने प्रण लिया है, तो आपके दिमाग में भी कुछ जहन में बातें होंगी जिससे शहर और बेहतर बन सके, वो क्या बातें हैं वो भी बताना आप। सर ये बातें बताने वाली थोड़ी हैं, ये तो जिस दिन, आप मेरी बात ही समझे, आज इलेक्शन होगा, रिजल्ट आएगा 30 को, जब हम बैठेंगे तो देखेंगे। ग्राउंड लेवल पे हमारे स्टडी हुई हुई है, सबकी प्रॉब्लम है, सबकी प्रॉब्लम्स को हमने गैदर करा हुआ है। हम कॉलोनीज में गए हैं, हम झुग्गियों में भी गए हैं, हम गरीब से गरीब तबके में जाके देख के आए हैं, अमीर से अमीर लोग से मिले हैं हम। हमारी शिरडी साईं सेवा समाज की बहुत बड़ी यहाँ पर तैयारी करी हुई है, वो सारी तैयारी हम इनके पास लेके जाएंगे। अब ये माइक पे बताना, जिससे भी पूछोगे प्रॉब्लम वही 3-4, आप भी थक गए होंगे वही सुन सुन के, वो तो चाहे आप रिपीट ही कर दो, वो प्रॉब्लम सब वही बताते हैं। लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम क्या है, सबका टीकाकरण हो, बच्चे अच्छी तरह स्वस्थ रहें, सबके चेहरे पे खुशी रहे, और सबसे बड़ी चीज़ है बच्चों की एजुकेशन, जिसके बारे में कोई नहीं सोच रहा। अगर मिड डे मील बनाते हैं, कभी उसमें छिपकली निकल आती है, कभी उसमें पानी निकल आता है, ऐसे नहीं है। कोई सिस्टम बनाया जाए, सिस्टम को फॉलो करने वाला हो। हम कहते हैं सड़कें बने, कोई दिक्कत नहीं है, पार्क में झूले लगे बहुत खुशी वाली बात है, लेकिन पार्क में झूले लगे कि उनकी मेंटेनेंस हो, AMC साइन कराई जाए भी, भैया 3 साल के लिए अगर एक पेच भी गिर गया, एक झूला भी टूट गया, तू जिम्मेवार है, ऐसे होना चाहिए काम। जब एक डिसिप्लिन, आर्मी क्या है, आर्मी में क्या है बताइए, आर्मी रूल क्या, हम कह देते आर्मी रूल लगा दो, और 90% लोगों को ये नहीं पता आर्मी रूल क्या है, सिर्फ 100% को क्या पता है, आर्मी रूल इज डिसिप्लिन, वैल्यू फॉर मनी, जो आप करोगे वो जेन्युइन करेंगे। तो यही है, आर्मी रूल लगना चाहिए हर जगह। आर्मी रूल क्या है, हमारी सोच में, सोच में जिस दिन आर्मी रूल लग गया कि मैंने सफाई रखनी है, मैं आप पे डिपेंड क्यों करूं, मेरे को गंद दिख रहा है मैं खुद उठा सकता हूं। तो ये चीज़ें हैं, जब नई सरकार आएगी, कोई सरकार आएगी, जो भी मेयर बनेगा, हमारी पूरी हर पार्टी का इज्जत मान करते हैं, लेकिन हमारी सपोर्ट बीजेपी को है, क्योंकि वो आज हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, आज सारे संसार में खुशी की लहर आनी चाहिए, ये बीजेपी कोशिश कर रही है, और हमारी पूरी सपोर्ट कुलभूषण जी को और बीजेपी और JJP के जितने पार्षद हैं उनको है। उम्मीद यही है कि जो प्रॉब्लम क्या है छोड़िए, ज़रूरी ये है कि जो प्रॉब्लम लेके एक आम नागरिक जो धूप में खड़ के लाइनों में लग के वोट डालेगा, जब वो उनसे प्रॉब्लम लेके जाएगा, उसकी सुनवाई हो, वो सही जाए चीज़ है। जैसे थापर जी ने बहुत अच्छे तरीके से मुद्दे उठाए, उन्होंने बातों में सलूशन भी बताया, प्रॉब्लम भी बताई, सलूशन भी बताया। थापर जी, आपसे एक प्रश्न पूछूंगा मैं, कि आपने एक बीजेपी को समर्थन किया है, आपने बीजेपी में क्या अच्छी चीज़ देखी जिसको देख के आपकी शिरडी साईं सेवा दल ने समर्थन किया? आप सवाल ये भी पूछते होते, दूसरों में आपने क्या बुराई देखी? नहीं नहीं, मैं आपकी बात बता रहा हूँ कि आपने सलूशन भी बताया। पार्टियाँ सारी अच्छी हैं, एक झुकाव की बात है जी, एक प्यार की बात है। मैं पैदाशी जनसंघी हूँ, मैं 1961 का बर्थ है, मैं पैदाशी जनसंघी परिवार में पैदा हुआ हूँ। एक, आप मेरी बात समझिए,
डेवलपमेंट आप किसको गिनते हैं? देखिए, आज हर बंदा अच्छा खासा कमाने लग गया है। आज इतने बड़े नोटबंदी हुए, इतनी बड़ी कोविड की प्रॉब्लम आई, क्या कहीं हाहाकार मची? ये सिर्फ बातें हैं कि ऐसे हो गया, वैसे हो गया। अगर देखिए, आपने एक पार्टी को चुना है, आपने मेरे को एक लिए चुन लिया, तो जब आपने मेरे को चुन लिया तो फिर देखो, अगर मैं नहीं ठीक हूँ तो आप बदल दो। इलेक्शन आते हैं ना जी, आप बदल दो। बदल भी नहीं रहे तो इसका मतलब आपको मोदी जी पसंद है ना, सिंपल सी बात है। अगर आपको नहीं पसंद है तो 2019 में बदल देते, पर 2019 में तो वही पार्टियाँ थी ना बेटी, रादर पार्टियाँ तो हिंदुस्तान में मशरूम की तरह हर साल बढ़ जाती हैं। जिसको टिकट नहीं मिलती वो मुँह सुझा के नई पार्टी बना लेता है, समझ रहे हैं आप? तो ऐसा कुछ नहीं है। अब मोदी जी हमें क्यों पसंद है या बीजेपी क्यों पसंद है, इसका तो हमारा दिल जानता है। हो सकता है वो चीज़ आपको ना अच्छी लगे, हमें अच्छी लगे। हमें उनकी वर्किंग अच्छी लग रही है और लग रहा है कि अब हिंदुओं का भी कोई आया है बंदा जो हमारी सुरक्षा करेगा। देखा आपने, अपने थापर जी ने स्पष्ट तरीके से अपनी बात प्लेटफॉर्म पर रखी। अब हम बात करते हैं, नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? माई नेम इज़ अमृतलाल मेहता। मैं यहाँ श्री साहिब सेवा का प्रधान हूँ काफ़ी सालों से, और जो मैं देख रहा हूँ, जो इलेक्शन के दिन आ गए हैं, इलेक्शन होने वाले हैं, और जितने भी पार्षद पहले आए हैं, मेयर आए हैं, सब ने विश्वास यही दिलाया है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। अभी गाय भैंसें और कुत्तों और इनका कोई अभी समाधान नहीं किया इसने। हम चाहते हैं जो भी नई पार्टी आए, बीजेपी आए, कांग्रेस आए, जो भी, वो अच्छा समाधान करे और अच्छी तरह इनका कोई ना कोई बाड़ा या को जो भी इनके रहने का स्थान बनाए। दूसरी बात है सड़कें और पार्क की बात है। जितने भी सेक्टरों में पार्क हैं वो आधे से ज़्यादा बेरान पड़े हैं और बेकार पड़े हैं, अभी तक वहाँ कोई डेवलपमेंट नहीं हुई। मैं यही चाहता हूँ जो भी सरकार आए, ठीक है हम बीजेपी के साथ जुड़े हुए हैं क्योंकि हमारे को पार्टी अच्छी लगती है। हमारे बुज़ुर्ग भी बीजेपी में थे, आरएसएस में जाते रहे 50-60 सालों से, जब से देश आज़ाद हुआ है तब से हमारे बुज़ुर्ग इसके साथ जुड़े हुए थे, हम भी इसके साथ जुड़े हुए हैं। कईयों को पार्टी अच्छी नहीं लगती, चले जाते हैं, कई पार्टी छोड़ के आ जाते हैं। बस ये समाधान है, यही रिक्वेस्ट है लोगों से कि अपना वोट ध्यान से और अपने सोच समझ कर दें। नमस्कार जी। नमस्कार अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? नमस्कार, मेरा नाम अशोक डिंगरा, वाइस प्रेसिडेंट सिटी सही सेवा समाज। मेरी सबसे यही गुजारिश है, जैसे थापर जी ने बताया कि हमारा पंचकूला खुश रहे। जब खुश रहेगा सब चीज़ें और हो जाती हैं। यदि सड़कें अच्छी होंगी, पार्क अच्छे होंगे, हॉस्पिटल होंगे, स्कूल होंगे, तो अपने आप खुशी आएगी। तो सबसे मेन मुद्दा यह है खुशी लाना। चेहरे पे खुशी आएगी, आपकी सेहत अच्छी रहेगी, तभी खुश रहोगे। सड़कें अच्छी होंगी, पार्क अच्छे होंगे, आपकी फैसिलिटीज़ होंगी, बच्चों की एजुकेशन अच्छी होगी, तभी खुशी आएगी। इसलिए मेन मुद्दा यही है खुश रहने का, और जब खुश हो जाएगा तो सब चीज़ कवर हो जाएगी। तो देखा भाइयों बहनों, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही, ये कह रहे हैं कि सभी सारी दुनिया खुश रहे। बहुत अच्छा लगे ये आपसे बात करके। मैं डॉक्टर स्वास्तिक शर्मा, अर्थ प्रकाश। ताज़ा अपडेट्स व बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी, और बेल आइकन दबाना ना भूलें।